हेलो दोस्तों, वेलकम टू एंडेवर इमिग्रेशन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि आप कनाडा का जो विजिटर वीज़ा है वो न्यू पोर्टल पे कैसे लॉन्च कर सकते हैं। इससे पहले आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो आउटडेटेड होगी, या आपको पुराने जीसी की पोर्टल पे वीज़ा लॉन्च करना सिखाते होंगे, लेकिन हम नए पोर्टल पर आपको वीज़ा लॉन्च करना सिखाएंगे। इससे पहले हमने न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया पर भी वीडियोस बनाई हुई हैं कि कैसे आप अपना जो है वीज़ा खुद लॉन्च कर सकते हैं। अगर आपको वो वीडियोस देखनी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, जहाँ मैंने वो वीडियोस ऊपर पिन कर दी हैं, आप देख सकते हैं। अगर आपके पास कोई जनरल क्वेरीज है तो प्लीज़ हमें फ़ोन मत कीजिए, हमारी टीम काफ़ी बिजी होती है, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है, आप अपना हमसे पेड कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, या अपना जो है स्टडी वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, किसी भी कंट्री का हमारी टीम से अप्लाई करवाना चाहते हैं, तो आप हमें दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इस लिंक पे जाना है, इस यूआरएल पे, तो कुछ ऐसा वेब पेज खुल जाएगा, यहाँ पे आपको अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना है। आप इसको कॉपी नहीं कर सकते, आपको दोबारा से ईमेल एड्रेस एंटर करना होगा। जैसे ही ये दोनों ईमेल एड्रेस मैच हो जाते हैं, ये वाला जो बटन है ये ग्रीन हो जाएगा, गेट इनविटेशन कोड, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको ये कोड कॉपी करना है, आप इसको यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। और इसको कॉपी करने के बाद आपको नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, आपने जो कोड कॉपी किया था आपको इस इनवाइट कोड वाले बॉक्स में फिल करना है। यहाँ पे आपको अपना ईमेल एड्रेस दोबारा से फिल करना है। इसके बाद आपको जो अपना पासवर्ड चूज कर लेना है, और अपना जो है पासवर्ड दोबारा एंटर करके उसको कन्फर्म कर लेना है। जैसे ही आप ये पासवर्ड एंटर करते हैं, इसके बाद आपको फर्स्ट इसमें सरनेम या लास्ट नेम की ऑप्शन आएगी। अगर तो आपके पासपोर्ट पे गिवन नेम एंड लास्ट नेम दोनों दिए हुए हैं, तो यहाँ पे आपको अपना जो है लास्ट नेम एंटर करना है। जैसे जो हमारा क्लाइंट है उसका नाम जॉन सिटीजन है, तो हम यहाँ पे सिटीजन एंड देन जॉन एंटर करेंगे। अगर आपके पासपोर्ट पे ओनली गिवन नेम दिया हुआ है, तो आपको जो अपना पूरा नाम फर्स्ट नेम की बजाय लास्ट नेम में डालना है, यहाँ पे आपको जॉन सिटीजन लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको, जैसे कि आप ये जो अपना विजिटर वीज़ा कनाडा के बाहर से अप्लाई कर रहे हैं, अगर आपके पास यूएस का नंबर है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आप किसी भी और कंट्री से, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या किसी भी और कंट्री से अप्लाई करें, तो आपको यहाँ पे अदर पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको अपना कंट्री कोड एंटर करना है विदाउट प्लस साइन। सो इंडिया का जो कंट्री कोड है वो 91 है 91, तो हम यहाँ पे वो एंटर कर देंगे। यहाँ पे आपको जो है अपना फ़ोन नंबर एंटर करना है, जो आपका मोबाइल नंबर है 10 अंकों का जो इंडिया का है। इसके बाद यहाँ पर आपको साइन अप की ऑप्शन मिल जाएगी, तो आपको यहाँ पर साइन अप पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको एक वेरिफिकेशन कोड सेंड कर दिया जाएगा IRCC की तरफ से, जो आपकी ईमेल पे चला जाएगा। तो आपको अपनी ईमेल को लॉगिन करना है, और वो जो कोड है वो आपको वहाँ पे एंटर करना है। सो आप इसको यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं। सो इसके बाद आपको वो कोड यहाँ पे एंटर कर देना है और कन्फर्म कर देना है। अब जो आपका है अकाउंट बन गया है इस पर, तो आपने ये अकाउंट क्रिएट करते वक्त IRCC के पोर्टल पे अपनी ईमेल आईडी जो दी थी और जो आपने पासवर्ड चूज़ किया था, उसे आपको इसको लॉगिन कर लेना है। आपको इसको एक्सेप्ट कर लेना है। अब जो है आपका अकाउंट लॉगिन हो चुका है। सो अब आपको जो है अपना वीज़ा अप्लाई करने के लिए न्यू एप्लीकेशन क्रिएट करनी होती है, तो आपको स्टार्ट एन एप्लीकेशन के नीचे ये बटन दिखाई देगा, अप्लाई फॉर विजिटर वीज़ा, ट्रांसिट वीज़ा और स्टडी परमिट, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको ये टर्म्स एंड कंडीशंस बता देगा, और आपको ये जो है क्लिक करके, एक्नॉलेज करके स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपसे जो फर्स्ट
क्वेश्चन आएगा डू यू वांट टू अप्लाई फॉर मोर देन वन पर्सन एट द सेम टाइम। सो हम अभी सिंगल एप्लीकेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हम यहाँ पे नो करेंगे। अगर आप फैमिली के साथ अप्लाई कर रहे हो हस्बैंड वाइफ देन आप यहाँ पे यस क्लिक करोगे। सो इसके बाद ये आपको आपकी एप्लीकेशन का टाइप पूछेगा कि आप स्टडी परमिट अप्लाई कर रहे हो या ट्रांजिट वीज़ा अप्लाई कर रहे हो या ये एमरजेंसी ट्रैवल का वीज़ा अप्लाई कर रहे हो या विजिटर वीज़ा। तो आपको यहाँ पे विजिटर वीज़ा और सुपर वीज़ा वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। सो देन आपसे पूछा जाएगा कि वाई डू यू वांट दैट वीज़ा या वाई डू यू नीड ए वीज़ा। तो इसमें अगर आप अपने जो भी है कोई फैमिली फ्रेंड से मिलने जाना चाहते हो तो आपको वो सिलेक्ट करना है। अगर आपकी पास कोई भी स्पॉन्सरशिप नहीं है तो आपको ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट कर लेनी है टू विजिट कैनेडा एज ए टूरिस्ट। इसके अलावा इसमें बहुत सारी ऑप्शन दी हुई हैं, आपको देख लेना है कि जो कौन सी जो ऑप्शन है आपके लिए मोस्ट सूटेबल है। इसमें सारी ऑप्शंस दी हुई हैं कि जैसे अगर आपके जो इनवाइट या आपके जो स्पॉन्सर हैं वो सिटीजन हैं या वो स्टूडेंट वीज़ा पे हैं तो आपको वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद ये आपसे पूछेगा टेल अस मोर अबाउट व्हाट यू विल डू इन कैनेडा इंक्लूड डेट्स। यहाँ पर आप अपनी डेट्स इंक्लूड कर सकते हो जो आपकी इंटेंडेड ट्रैवल डेट्स हैं। तो मान लो हमारी जो इंटेंडेड ट्रैवल डेट है वो 16 अगस्त है तो हम वहाँ पे 25 अगस्त 9-10 दिन के लिए जाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे पहले ही वो डिटेल्स दे देनी है। इसके बाद यहाँ पे आपको दोबारा से पूछा जाएगा व्हेन यू विल एंटर कनाडा। आपको यहाँ पे 2023 जिस भी ईयर में आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हो मंथ अगस्त डे जैसे हमने 16 लिखा है व्हेन विल यू लीव कनाडा उसके बाद 2023 अगस्त तो यहाँ पे हम 9-10 दिन के लिए डाल देते हैं तो हम यहाँ पे 25 डाल देंगे जो हमने यहाँ पे लिखा है। इसके अलावा अगर आपने कोई और इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो कि आप कोई बिजनेस मीटिंग के लिए जाना चाहते हो या कोई स्पेशल ओकेशन है वो चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हो। इसके बाद UCI नंबर आपसे पूछा जाएगा, ये ऑप्शनल होता है। ये अगर किसी ने पहले कनाडा का कोई वीज़ा अप्लाई किया हुआ है चाहे उनकी कोई रिफ्यूज़ल है चाहे उनके पास प्रीवियस वीज़ा था तो जो UCI है 10 साल के लिए वैलिड होता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज क्लाइंट आइडेंटिफायर। सो आपको वो यहाँ पे एंटर कर देना है। अगर आपके पास नहीं है आप इसको ब्लैंक छोड़ देना है और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसके बाद ये आपको डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट बता देगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, जैसे कि एक वैलिड पासपोर्ट, उसमें एक फ्री पेज होना चाहिए। आपका वैसे जो पासपोर्ट है 6 मंथ्स तक वैलिड होना चाहिए मिनिमम टू अप्लाई विजिटर वीज़ा। तो इसमें ये डिटेल्स आपसे पूछी जाएंगी, आप इसके लिए प्रिपेयर रह सकते हो, जैसे कि पर्सनल डिटेल्स होगी, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, फाइनेंस, एजुकेशन हिस्ट्री, क्रिमिनल एंड सिक्योरिटी, मेडिकल बैकग्राउंड, फैमिली इन्फॉर्मेशन। तो आपने इसको कंटिन्यू टू एप्लीकेशन कर देना है। यहाँ पे आपको नो क्लिक करना है बिकॉज आप अपने लिए अप्लाई कर रहे हो। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना फिर से सरनेम डालना है, आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है, यहाँ पे आपको यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। तो हम कोई भी रेंडम डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं, 1st of January 1990, मेल फीमेल। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। इसमें अब आपका जो है पासपोर्ट नंबर पूछा जाएगा, रेगुलर डिप्लोमेटिक, मोस्टली जो लोगों के पास रेगुलर पासपोर्ट होता है तो आपको यहाँ पे रेगुलर पासपोर्ट सेलेक्ट करके अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है कि आपके पास किस कंट्री का पास। यहाँ पे आपको फिर से अपनी जो है नेशनैलिटी सेलेक्ट करनी है, इंडिया। सो आपको यहाँ पे अपना पासपोर्ट नंबर देना है 1 2 3 4 5 6 7। सो इसके बाद आपको अपना पासपोर्ट नंबर दोबारा से कंफर्म करना होगा। इसके बाद आपको डेट ऑफ इशू जो पासपोर्ट है उसकी डालनी होगी। तो इसमें हम कोई भी रैंडम डेट डाल देते हैं, 1st of January 2022 डाल देते हैं। तो आपको डेट ऑफ एक्सपायरी डालनी है, तो 10 साल के लिए इसकी वैलिडिटी है। तो जो आपका पासपोर्ट है 2031
2031 तक वैलिड होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन आएगा कि आर यू ए लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट, यहाँ पे आपको नो सेलेक्ट कर देना है क्योंकि उसके बाद हैव यू हेल्ड ए कैनेडियन विजिटर वीज़ा इन पास्ट 10 ईयर्स, अगर आपने 10 साल पिछले 10 साल में पहले अप्लाई किया हुआ और आपको वीज़ा ग्रांट हुआ था तो आपको येस करना है, नहीं तो आपको यहाँ पे नो करके यहाँ पे येस कर देना है। आर यू ट्रैवलिंग टू कैनेडा बाई एयर, जैसे ही आप नेक्स्ट पेज पे जाते हैं तो आपको ये दोबारा से कंट्री पूछेगा। हम जैसे कि अभी इंडिया में बैठे हुए हैं, हमारे पास इंडियन पासपोर्ट है और अभी भी हम इंडिया में ही हैं, तो यहाँ पे हमें दोबारा से इंडिया ही सिलेक्ट करना है। सो उसके बाद आपको यहाँ पे अपना जो है बर्थ प्लेस एंटर कर देना है, तो हम यहाँ पे दिल्ली एंटर कर देते हैं। आर यू ए सिटीजन ऑफ मोर देन वन कंट्री और टेरिटरी, तो यहाँ पे अगर आपके पास किसी और कंट्री की सिटीजनशिप है तो आप डिटेल्स एंटर कर सकते हो, लेकिन नहीं है तो आपको यहाँ पे नो करके यहाँ पे बता देना है कि किस कंट्री के आप करंटली सिटीजन हो। सो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन आता है कि ये जो इंडिया के आप सिटीजन हो ये कब से हो, तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो कि आप इस कंट्री के जो सिटीजन हो बाय बर्थ हो, ये अपने आप आपकी डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देगा। अगर आपके पास आप किसी और कंट्री में हो, मान लो आप ऑस्ट्रेलिया में हो तो आपने वहाँ की सिटीजनशिप ले ली है, तो आपने यहाँ पे वो चीज़ें डिक्लेयर कर देनी है कि आपको कब वो सिटीजनशिप मिली थी। सो डू यू हैव ए वैलिड नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आप येस करके यहाँ पे आपको अपना जो है आधार कार्ड नंबर या कोई भी नेशनल आईडी नंबर जो 12 डिजिट्स का होता है वो डाल देना है। उसके बाद आपको वो जो नंबर है वो दोबारा से कन्फर्म करना होगा। इसमें जो भी आपके आधार कार्ड की इशू डेट है आप वो डाल सकते हो, अगर आपके पास आधार कार्ड पे कोई डेट नहीं लिखी हुई तो आप रेंडम अपनी कोई भी डेट डाल सकते हो। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। सो ये क्वेश्चन आ जाएगा कि आपने पास्ट में कोई और नाम यूज़ किया है, जैसे प्रीवियस आपका कोई नेम और था, मैरिज के बाद आपका नेम चेंज हो गया, तो आपको यहाँ पे यस करना है और अदरवाइज आपको यहाँ पे नो क्लिक कर देना है। अगर आप यहाँ पे यस करते हैं तो आपको एफिडेविट भी अटैच करना होगा नेम चेंज का, जहाँ नेम में जो डिफरेंस है उस चीज़ का। इसके बाद यहाँ पे आपको फिर से कंट्री सेलेक्ट करके जो है अपना एड्रेस डालना है 1 2 3, तो हम कोई भी रेंडम एड्रेस डाल रहे हैं। इसके बाद ये जो क्वेश्चन आता है इसमें ये पूछते हैं कि जो आपने ऊपर एड्रेस दिया है वो आपका मेलिंग एंड रेजिडेंशियल एड्रेस सेम है, तो आपको यहाँ पे येस कर देना है। अगर आपने कोई और एड्रेस देना है तो आप नीचे और एड्रेस दे सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन है लिस्ट योर करंट कंट्री ऑफ टेरिटरी ऑफ रेजिडेंस, देन एड ऑल अदर कंट्रीज और टेरिटरीज वेयर यू हैव लिव्ड फॉर द पास्ट 5 ईयर्स मोर देन 6 मंथ्स। तो यहाँ पे आपको करंट अपनी कंट्री तो लिखनी लिखनी है, जैसे आप इंडिया में रह रहे हो, इसके अलावा आप अगर किसी और कंट्री में 6 मंथ से ज़्यादा रहे तो आपको वो कंट्रीज़ की डिटेल भी मेंशन करनी होगी और आपका जो उस कंट्री में स्टेटस रहा है वो भी एंटर करना है। तो यहाँ पे हमने फिर से जो है 1190 एंटर कर देना है जो डेट ऑफ बर्थ थी, क्योंकि हमारा जो क्लाइंट है 1 जनवरी 1990 से बाय बर्थ जो है इंडिया में है। सो दिस इज वेयर आई करंटली लिव पे आपको क्लिक कर देना है और इसको सेव कर देना है। सो ये वाली जो आपकी डिटेल आ जाएगी कि आप इंडिया में इतने टाइम से रह रहे हो, अगर आप किसी और कंट्री में स्टूडेंट वीज़ा पे हो या किसी और वीज़ा पे हो तो आप यहाँ पे ऐड का बटन क्लिक करके उसकी डिटेल्स यहाँ पे एंटर करके सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हो। सो ये वाला क्वेश्चन आपको उन्होंने दोबारा पूछा है, डू यू ऑलरेडी हैव योर फिंगरप्रिंट्स एंड फोटोज़, यानी कि अपने बायोमेट्रिक्स आपने पहले दिए हैं। अगर आपने प्रीवियसली कनाडा का वीज़ा अप्लाई किया था तो आपके जो बायोमेट्रिक्स हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, 10 साल के लिए वैलिड रहते हैं, देन आपको यहाँ पे येस करना है, अदरवाइज आपको यहाँ पे नो कर देना है। सो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आपसे पूछेंगे कि हाउ मच मनी डू यू हैव फॉर योर स्टे इन कनाडा, तो आपके पास जितने भी
आप कैनेडियन डॉलर्स में अमाउंट शो कर रहे हो तो आपने वो बता देना है। अगर मान लो आपके पास 9 लाख इंडिया का है, तो आज 60 रुपये उसका रेट चल रहा है, तो आप यहाँ पे 15,000 डॉलर कैनेडियन डॉलर से एंटर कर सकते हो कि इतना जो है अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में है जो आप अपनी सपोर्ट के लिए अपने साथ रख सकते हो। सो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, समवन एल्स गिविंग यू मनी फॉर योर स्टे इन कैनेडा, तो यहाँ पे आपको मोस्टली नो करना होता है 99%। अगर आपका कोई फैमिली फ्रेंड, जैसे कि कोई रियल ब्रदर सिस्टर वहाँ पे PR है, तो आप यहाँ पे यस करके उनकी डिटेल्स भी लिख सकते हो, लेकिन हम रेकमेंड करते हैं कि आप यहाँ पे नो करके अपने फंड से यहाँ पे लिखें। इसके बाद आपसे जो सवाल आएगा वो पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन का आएगा कि आपने 12th के बाद जो जो भी स्टडीज़ की हैं तो वो एंटर कीजिए। यहाँ पे आपको यस करके आपको यहाँ पे अपनी प्रीवियस सारी एजुकेशन जो भी आपने 12th के बाद डिप्लोमा किए हुए हैं या डिग्री की हुई है, आपको वो एंटर करनी है। तो सबसे पहले जो आपसे वो नेम ऑफ द स्कूल या यूनिवर्सिटी पूछेगा, तो यहाँ पे आपको अपना नेम ऑफ द स्कूल डालना है, DAV कॉलेज दिल्ली लिख देते हैं हम यहाँ पे। उसके बाद जो भी ईयर में आपने अपनी डिग्री स्टार्ट की थी, अपने 2011 में ये डिग्री स्टार्ट किया था मान लो मई में, सो उसके बाद 2014 में आपने फिनिश कर दिया इसको। लेवल ऑफ स्टडी, इसमें आपको लेवल ऑफ स्टडी पूछेगा, इसमें यूनिवर्सिटी बैचलर डिग्री, अगर आपकी ये हायर डिग्री है तो आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी डॉक्टरेट डिग्री या कोई भी जो सूटेबल ऑप्शन है आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो फील्ड ऑफ स्टडी, जो भी आपकी स्टडी है, जैसे हमारे क्लाइंट ने BBA की डिग्री की हुई है, तो आप यहाँ पे बिजनेस मैनेजमेंट मार्केटिंग सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपकी कोई IT की डिग्री, आप सिलेक्ट ये वाली ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा भी आपको साइंस नॉन मेडिकल के रिलेटेड या काफ़ी सारी ऑप्शंस मिल जाती हैं, तो हम ये वाली अपनी ऑप्शन सिलेक्ट करके अब उसका कंट्री एंटर करेंगे कि कौन सी कंट्री में वो हमने की थी। तो इसमें आपको अपने पूरे यूनिवर्सिटी या कॉलेज के कैंपस का एड्रेस देना होता है, तो हम यहाँ पे कॉलेज मैं सिर्फ डेमो पर्पस के लिए इसमें कोई भी एड्रेस नहीं डाल रहा, आप यहाँ पे अपना पूरा एड्रेस एंटर कर सकते हो। इसको सेव कर देना है और उसके बाद आपको ये क्वेश्चन आएगा वर्क एक्टिविटी हिस्ट्री। सबसे पहला जो सवाल है मिलिट्री पुलिस हिस्ट्री है कि आपने कभी मिलिट्री में या डिफेंस में कोई जॉब किया हो, तो आपको वो डिक्लेयर करना होता है। तो हमने यहाँ पे नो कर देना है अगर आपने ये मिलिट्री या डिफेंस में जॉब नहीं की हुई। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी पूरी 10 साल की हिस्ट्री एंटर करनी होती है, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री। तो जैसे कि यह डिग्री 2014 में फिनिश हुई थी, तो उससे पहले जो, लेकिन अभी 2023 चल रहा है, हमें 2013 से 23 तक की सारी जो है एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री डालनी होती है। तो यहाँ पे आपको ऐड के बटन को क्लिक करना है, और जो भी आपकी जॉब्स हैं, चाहे एक जॉब आप कर रहे हो या आपने मल्टीपल जॉब्स की हुई हैं, आपको वो सारी एंटर करनी होती हैं। जैसे हम यहाँ पे 2014 अगस्त से जो एंटर कर रहे हैं, लेकिन ये आपसे पूरी 10 साल की हिस्ट्री मांगेगा। सो यू माइट हैव टू सिलेक्ट 2013 आफ्टर दैट एज वेल। सो यहाँ पे अगर आपकी ये जो जॉब ऑन गोइंग है, तो आपको यहाँ पे ऑन गोइंग कर देना है कि आप इस जॉब एक्टिविटी में अभी तक काम कर रहे हो। तो वर्क एक्टिविटी में ये आपसे फिर से ये आपको क्वेश्चंस पूछेगा कि आपका जो है इसमें से कौन सा सूटेबल आपका जो है ऑक्यूपेशन है या कौन सी फील्ड में आप जॉब करते हो। तो मान लो हमारा जो क्लाइंट है वो मैनेजर या फाइनेंस मैनेजर है, तो हम यहाँ पे बिजनेस फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन जॉब कर देंगे। यहाँ पे आपको अपना जो है फिर टाइटल ढूंढना होगा कि आपकी जो जॉब है कौन सी जो आपका जो है ज़्यादा रिलेटेड है। सो इसमें आप जो भी आपका सूटेबल ऑप्शन ऑप्शन है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। मैं आपको एक बार सारे जो है ऑक्यूपेशन दिखा देता हूँ। सो मोस्टली अगर आप मैनेजर पे एज ए मैनेजर काम कर रहे हो, तो आपको ये वाली ऑप्शन सिलेक्ट कर लेनी है। आप इसमें से स्क्रॉल करके देख सकते हैं कि कौन सा सूटेबल ऑप्शन आपके लिए। सो इसमें आपकी वो कंपनी या एम्प्लॉयर का नाम पूछेगा, हम यहाँ पे ABC कंपनी डाल रहे हैं। जॉब ड्यूटीज
इसमें ज़्यादा ब्रीफली आपको नहीं देना है, आपको सिर्फ अपना जो है ऑक्यूपेशन लिख देना है। सिलेक्ट ए कंट्री, यहाँ पे फिर से हमने इंडिया सेलेक्ट कर लिया। स्ट्रीट एड्रेस 13, इसको आपने सेव कर देना है। इसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे नेक्स्ट करना है, लेकिन ये इसलिए नेक्स्ट नहीं जा रहा क्योंकि आपने पूरी 10 साल की जो है हिस्ट्री ऐड नहीं की हुई। सो आपको जो है यहाँ पे जाना है, जैसे हमने 2014 से डेट सेलेक्ट की थी, जैसे मान लो आप ये 10-11 महीने अनएम्प्लॉयड थे, तो आप यहाँ पे अनएम्प्लॉयड या कोई भी और ऑप्शन चूज कर सकते हो। होम मेकर भी है इसमें, इसमें और ऑक्यूपेशंस भी आ जाते हैं। इसमें आपको जो है अपने घर का एड्रेस डाल देना है। जैसे ही हमारी 10 साल की एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री पूरी हो जाती है, तो आपको नेक्स्ट पेज पे जाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सो इसके बाद ये आपकी ट्रैवल हिस्ट्री पूछेगा कि पिछले 5 साल में अगर आपकी किसी और कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री है, चाहे वो किसी अरब कंट्री की है, चाहे किसी एशियन कंट्री की है, चाहे किसी कॉमनवेल्थ कंट्री की है, उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर एंटर करनी है। अगर आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, आप यहाँ पर नो करके यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू सेलेक्ट कर सकते हो। सो जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, ये वाला जो है, उसमें ये आप स्टेटस पूछेगा कि आपने कभी कनाडा में पहले आपकी वीज़ा वैलिडिटी के ऊपर स्टे किया है, तो यहाँ पे आपको नो सेलेक्ट करना है। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये आपका वीज़ा परमिट रिफ्यूज़ल का है। इसमें चाहे आपका कोई स्टडी वीज़ा रिफ्यूज़ल है या कोई आपकी टूरिस्ट वीज़ा रिफ्यूज़ल है, तो उसकी डिटेल्स एंटर करने के लिए है, तो आप यहाँ पे वो डिटेल सेंटर कर सकते हैं। अगर आपकी किसी भी कंट्री की कोई रिफ्यूज़ल नहीं है, आप यहाँ पे नो करके सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी सिमिलर हैं, क्रिमिनलिटी एंड सिक्योरिटी क्वेश्चन। अगर आपका रिकॉर्ड क्लियर है, तो आपको इसको नो कर देना है और आगे बढ़ जाना है। इसके बाद ये जो है आपका IRCC ऑथोराइज्ड पैनल फिजिशियन का हेल्थ एग्जाम के बारे में पूछता है। जो बच्चे स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करते हैं, मोस्टली वो अपना जो है मेडिकल करवाते हैं, तो हेल्थ एग्जामिनेशन जो होता है। लेकिन जो टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हैं, जिनका स्टे कम होता है, उन्होंने ये नहीं करवाया होता, तो मोस्टली ये जो आंसर है नो ही आता है। सो अब ये जो आपके मेडिकल बैकग्राउंड्स के क्वेश्चन है कि आपको TB तो नहीं है या डायग्नोस तो नहीं हुए थे इसे, तो आपको इस पर नो करके सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। इसमें फिर से सेम क्वेश्चन ही हैं, आपको इनको क्लियरली पढ़ के नो करके तो नेक्स्ट कर देना है। सो इसमें अब आपको मैरिटल स्टेटस पूछेगा कि आप सिंगल हो, विडो हो, सेपरेटेड हो, मैरिड हो, डाइवोर्स्ड हो। तो इसमें जो भी आपका मैरिटल स्टेटस है, आप वो डाल सकते हो और इसको सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हो। सो अगर हम पिछले क्वेश्चन पे जाते हैं, तो इस पर अगर आप मैरिड क्लिक करते हो या सिंगल भी क्लिक करते हो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे वो आपको आपके बच्चों के बारे में भी पूछेंगे कि आपके कोई बायोलॉजिकल चिल्ड्रन हैं या अडॉप्टेड हो चाहे वो, तो आपको उनकी डिटेल्स भी एंटर करनी होती है। अगर आपको पिछला क्वेश्चन आप येस करते हो मैरिड वाला, उसमें आपको फिर अपने स्पाउस की डिटेल्स भी एंटर करनी पड़ती है, तो आपको ये वाला कन्फर्म कर देना है कि आपके कोई भी बच्चे नहीं हैं। अगर आपके बच्चे हैं, तो आपको यहाँ पे येस करके उनकी डिटेल्स डालनी होगी, उनकी डेट ऑफ बर्थ एंड उनका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एंड देन आपको सारी डिटेल्स करके यहाँ पे सेव कर देना होता है। तो हमारा जो क्लाइंट है वो सिंगल है, अनमैरिड है, उसके कोई भी बच्चे नहीं है, तो हम इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। इस जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो आपके पेरेंट्स के बारे में आएगा। यहाँ पर आपको अपने पेरेंट्स की डिटेल्स भी ऐड करनी होती है। तो जो जॉन सिटीजन के फादर हैं, जैकोब सिटीजन है, तो हम उनकी डिटेल पहले एंटर कर देंगे। तो
इसमें आपको अपने पेरेंट्स की डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी होती है, तो हम कोई भी रेंडम डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं। अगर ये जो आपके पेरेंट हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे फादर की डिटेल डाली है, वो अगर प्रेजेंट हैं, जिंदा हैं, तो आपको उनका सारी डिटेल्स डालनी है। अगर आपके किसी पेरेंट की डेथ हो गई है तो आपको ये वाला क्लिक करके उनकी डेथ की डेट भी डालनी होती है। तो अभी आपको अपने फादर की यहाँ पे कंट्री ऑफ बर्थ डालनी है, उनका ऑक्यूपेशन, जैसे वो मान लो रिटायर्ड हैं, रिटायर्ड, सो इसमें आपको अगर वो आपके साथ रह रहे हैं येस डालना है, अगर नहीं रह रहे तो आपको नो करके उनका एड्रेस भी एंटर करना होगा। सो विल दिस पेरेंट कम यू टू कैनेडा, आपको यहाँ पे नो कर देना है, जैसे आप अकेले ही ट्रैवल कर रहे हो। इसके बाद आपको यहाँ पे दूसरी अपनी मदर की डिटेल भी डालनी है। हम फिर से कोई भी रेंडम डेट चूज कर लेंगे। यहाँ पे आप होम मेकर या रिटायर्ड कुछ भी डाल सकते हो पेरेंट्स के लिए, और सेम क्वेश्चन के बाद आप इसको सेव करके सेव एंड कंटिन्यू कर दो। सो इसके बाद जो है आपकी नेटिव लैंग्वेज पूछी जाएगी कि आपकी नेटिव लैंग्वेज क्या है, तो आपको यहाँ पे अगर आप हिंदी बोलते हो या पंजाबी बोलते हो, जो भी आपकी नेटिव लैंग्वेज है आपके स्टेट की, वो आपने डाल देनी है। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो होगा कि आपको इंग्लिश या फ्रेंच आती है, तो आपको यहाँ पे अपने हिसाब से येस कर देना है। तो मोस्टली जो इंडिया से लोग हैं वो यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी आप जो है इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हो कि जो IRCC आपको किस लैंग्वेज में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या आपके साथ कम्युनिकेट कर सकते हो, या इंग्लिश सेलेक्ट करके सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हो। इसके बाद फिर से जो है आपका ईमेल एड्रेस वो पूछेंगे, तो आपको अपना फिर ईमेल एड्रेस फिर से डालना है, जिस पे वो आपको सारी डिटेल्स भेजेंगे, जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर है या उसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको इसी ईमेल पे वो भेज देंगे। के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। इसके बाद वो आपका फ़ोन नंबर दोबारा से मांगेंगे, इसमें आप सेलुलर सेलेक्ट करके, अदर सेलेक्ट करके, डायल कोड 91 फॉर इंडिया, जो आपका फ़ोन नंबर है 10 डिजिट्स का, वो आपको यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। उसके बाद जो आपने पूरा इसको फिल किया अपनी फाइल को, वो सारा रिव्यू उसका आपके सामने आ जाएगा। अगर आपको किसी चीज़ को एडिट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। सो जब आप देख लोगे कि जो सारी डिटेल्स सही हैं, तो आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद जो नेक्स्ट पेज खुलेगा वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड का खुलेगा, कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। मैंने यहाँ पे पहले ही 2 डॉक्यूमेंट्स अटैच कर दिए हैं, बिकॉज ऑफ क्लाइंट प्राइवेसी। मैंने यहाँ पे नेशनल ID जो कि आधार कार्ड अटैच कर दिया, और यहाँ पे जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट पासपोर्ट है वो अटैच कर दिया। अब जो नेक्स्ट सेक्शन है वो फंड्स प्रूफ होता है, तो इस फंड्स में आप अपने जो भी आपके बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट्स हैं, स्टेटमेंट्स हैं, या जो भी आपके फाइनेंशियल प्रूफ्स हैं, इसके अलावा आप अपनी ITR इनकम टैक्स रिटर्न्स फॉर्म 16 है, अगर आपके पास ITR की कंपटीशन है, वो सारी चीज़ें अटैच कर सकते हो। उसके लिए आप उनको पहले ही मर्ज करके रख सकते हो, जैसे कि मैंने उनको मर्ज करके रखा हुआ है फंड्स एंड टैक्स रिटर्न्स, तो आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे अटैच कर देनी है। इसके बाद जो ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इसमें आपको यहाँ पे कुछ भी अटैच करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको अपने जो है एम्प्लॉयमेंट के डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होते हैं, तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स मर्ज कर देने हैं, जैसे कि आपकी ज्वाइनिंग लेटर हो गई, आपकी कोई PF की स्टेटमेंट हो गई, आपका कोई TDS सर्टिफिकेट है आपके एम्प्लॉयर से, आपकी जो जॉब NOC है, आपका कोई जॉब ID कार्ड है, आप सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे मर्ज करके यहाँ पे लगा सकते हो। इसके बाद इसमें एक और ऑप्शन खुलेगी जो है एडिशनल डॉक्यूमेंट्स। इसमें आप अगर आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है, जैसे हमारे क्लाइंट को कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा, लेकिन स्टिल फॉर डेमो पर्पस अगर आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है, तो इसमें आप जो है स्पॉन्सर के डॉक्यूमेंट्स अटैच कर सकते हो। आपको मेक श्योर करना है कि आपके पास इनफ टैब्स नहीं होगी सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करने के लिए, आपको उनको भी सारे डॉक्यूमेंट्स को मर्ज करके यहाँ पे अटैच कर देना है।
अगर आपको कोई भी स्पॉन्सर नहीं कर रहा तो आप स्टिल यहाँ पे जो है अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच कर सकते हो, जैसे कि एडिशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे मान लो आपने कोई CA रिपोर्ट बनाई हुई है तो आप वो चीज़ें यहाँ पे अटैच कर सकते हो, जैसे कि अपनी कवरिंग लेटर, नेटवर्क रिपोर्ट, प्रॉपर्टी वैल्यूएशन, तो आप यहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच कर सकते हो। क्योंकि कैनेडा का जो विजिटर वीज़ा होता है उसमें ओनली ये 6 बॉक्सेस ही खुलते हैं, 6 टैब्स ही खुलेंगी, सो आपको जो है अपने डॉक्यूमेंट्स को मर्ज करना होगा। अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप ये वाला बॉक्स भी है जो यूज़ कर सकते हो कुछ डॉक्यूमेंट्स अटैच करने के लिए। और आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो इसकी जो डॉक्यूमेंट्स है आपके अटैच करने के, उसकी जो फाइल साइज की लिमिट है वो 2 MB होती है। 2 MB से ज़्यादा के डॉक्यूमेंट्स आप अटैच नहीं कर सकते। हो सकता है कि जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स मर्ज करें उसके बाद आपको उसको कंप्रेस भी करना पड़े, आपको उसको इस हिसाब से कंप्रेस करना होगा कि जो आपकी बैंक स्टेटमेंट्स हैं या ITRs हैं वो रीडेबल हो, ये ना हो कि आपको कंप्रेस करने के बाद उसमें कुछ भी दिखाई ना दे रहा हो और वीज़ा ऑफिसर को मतलब उसमें कुछ पढ़ने में दिक्कत आ रही हो। सो इन चीज़ों का बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। सो जब आपके ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाते हैं आपको सेव एंड कंटिन्यू कर देना है और यहाँ पे यस कर देना है और यहाँ पे अपना फिर से साइन करने के लिए अपना जो है सरनेम डाल देना है और नीचे जो है अपना फर्स्ट नेम डाल देना है। इसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। इसके बाद जो है आपकी विजिटर वीज़ा की जो फीस है वो $100 है कैनेडियन डॉलर्स अगर, और $85 जो है आपकी बायोमेट्रिक फ़ीस है। सो जो टोटल फ़ीस है आपकी $185 है जो कि इंडिया के 11,500-12,000 है। सो अगर आपने पहले अपने 10 साल में बायोमेट्रिक्स दिए हुए हैं, आपकी कोई प्रीवियस रिफ्यूज़ल है, आप दोबारा से वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, तो हमने जो पिछले सेक्शन में येस किया था कि आपने पहले बायोमेट्रिक दिए हुए हैं तो आपसे सिर्फ $100 ही वो जो है उसकी रिक्वायरमेंट ही रहेगी कि आपको सिर्फ $100 ही पे करने होंगे। लेकिन आप अगर फर्स्ट टाइम अपना वीज़ा लॉन्च कर रहे हो तो आपकी जो फ़ीस रहेगी $185 रहेगी। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। सो इसके बाद आपको यहाँ पे अपना नेम एंड कार्ड नंबर भर देना है और जो है अपनी फाइल सबमिट कर देनी है। जब जैसे ही आप चेकआउट पर दबाते हो तो आपकी जो है फाइल सबमिट हो जाएगी और आपको एप्लीकेशन की एक्नॉलेजमेंट आ जाएगी और आपका एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। सो मेक श्योर कि पेमेंट करने से पहले आप देख लें कि आपके पास वीज़ा, मास्टर कार्ड या ये जो कार्ड्स मेंशन किए हैं वो है। सो गाइस, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगी अगर आप अपना कैनेडा का जो विजिटर वीज़ा है डू इट योरसेल्फ करना चाहते हैं। तो इसके अलावा अगर आपके पास कोई जनरल क्वेरीज हैं तो प्लीज़ हमें फ़ोन मत कीजिए, हमारी टीम काफ़ी बिजी होती है, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है, आपने आपकी आप अपना हमसे पेड कंसल्टेशन लेना चाहते हैं या अपना जो है स्टडी वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा किसी भी कंट्री का हमारी टीम से अप्लाई करवाना चाहते हैं तो आप हमें दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।